नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एक छोटा सिंपल सा सवाल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सवाल ये रहा, दो मुर्गी दो दिन में दो अंडे देती है, तो छः मुर्गी छः दिन में कितने अंडे देगी? बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। दो मुर्गी दो दिन में दो अंडे देती है, तो छः मुर्गी छः दिन में जाहिर सी बात है छः अंडे देगी। सही कहा ना भाइयों? खैर, सही है या गलत, चलिए चेक कर लेते हैं। हम इसमें कोई सूत्र उत्र नहीं लगाएंगे। एक होता है ना कि कितने आदमी कितने काम कितने समय वाला, वही M1D1H1/W1 वाला। सिंपल वे में चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। दो मुर्गी दो दिन में देती है दो अंडे। अब हम क्या करेंगे, मुर्गी की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। दो मुर्गी है तो दो मुर्गी और बढ़ा देंगे, तो यह हो जाएगा चार मुर्गी। चार मुर्गी दो दिन में, जाहिर सी बात है अंडे भी दो मुर्गी के दो है, तो चार मुर्गी के चार अंडे हो जाएंगे। तो चार मुर्गी दो दिन में देती है अब चार अंडे। अब देखते हैं छः मुर्गी करते हैं, इसको दो मुर्गी और बढ़ाते हैं, यह हो जाएगा छः मुर्गी। छः मुर्गी दो दिन में देती है छः अंडे। मैंने भी तो यही कहा था कि छः मुर्गी छः दिन में छः अंडे देती है, लेकिन यहाँ दो दिन में, ठीक। अब दिन की क्वांटिटी को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छः मुर्गी दो दिन में छः अंडे देती है और सवाल में पूछा है छः मुर्गी छः दिन में कितने अंडे देती है। तो अब हम दिन के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, देखते जाइए। छः मुर्गी दो दिन की जगह में दो दिन और बढ़ाते हैं, छः मुर्गी अब दो दिन की जगह में हो जाएगा चार दिन, दो दिन और बढ़ा देते हैं। छः मुर्गी चार दिन में अंडे कितने हो जाएंगे, दो दिन में छः अंडे तो चार दिन में बारह अंडे, तो छः मुर्गी चार दिन में बारह अंडे देगी। अब जो फाइनल आंसर यहाँ मिलेगा हमको, छः मुर्गी अब दो दिन और बढ़ा देते हैं, छः मुर्गी छः दिन में बारह और छः हो जाएगा अट्ठारह अंडे देगी। यही रहा हमारा आंसर कि दो मुर्गी दो दिन में दो अंडे देती है, तो छः मुर्गी छः दिन में अट्ठारह अंडे देगी। अगर आपको लगता है कि गलत है तो उत्तर कमेंट कर देना, फिर देखते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।